But if I ask you, like, what is the definition of naseeb for you? मेरे लिए मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं क्या डेफिनेशन दूँगी. मैंने किताब में पढ़ा था, वल्लाहु आलम कितनी मुस्तनिद है ये बात. मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि मैं उससे क्या सीख रही हूँ या उसका मुझ पर असर क्या हुआ. कि हज़रत अली करमुल्लाह वजह के पास कोई आया और पूछा ना कि नसीब क्या है, तो उन्होंने कहा एक पाँव पर खड़े हो जाओ. तो खड़ा हो गया, उसने कहा दूसरा पाँव भी उठा लो. तो वो हैरान हो गया, क्या मतलब, देख रहा है उनकी शक्ल कि मैं क्या करूँ. बोला बस नसीब यही है, आधा तुम्हारे हाथ में है आधा नहीं है, लेकिन तुम्हें कभी ये पता नहीं चलेगा कि कौन से तुम्हारे डिसीशंस या फैसले कौन से टांग में. इसलिए मेहनत करते रहो, ट्रायल एंड एरर पे लाइफ है. बट देन व्हाट इज फेट? फेट भी इसी से कनेक्टेड है ना. नसीब और फेट में फ़र्क क्या है, यही तो चीज़ है. तकदीर कुछ और है. तकदीर जो कि जो आपको पता है कि नहीं बदल सकती, मगर दैट इज़ तकदीर इज़ इन दैट लेग जिसको आप उठा नहीं पा रहे. लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी चीज़ तकदीर थी और कौन सी चीज़ नसीब थी जिसके ऊपर मेरी मेहनत करके तब्दील हो सकती थी, ये पता नहीं चलेगा. ये इतना सब कुछ अगर अल्लाह मियाँ बता दें तो फिर तो हम अपनी ज़िंदगी बड़ी फर्स्ट क्लास बना लेंगे ना. इट्स अ टेस्ट, दिस लाइफ इज़ अ टेस्ट. तो हम ट्रायल एंड एरर चलते रहें, कोशिश करते रहें और अल्लाह से उम्मीद रखें कि अल्लाह ताला करे ये जो मैं मेहनत इस खास प्रोजेक्ट में कर रही हूँ, लेट्स इमेजिन इट्स अ प्रोजेक्ट, अल्लाह करे कि ये प्रोजेक्ट मेरी उस लेग में हो जो मैं उठा सकती हूँ और रख सकती हूँ. और सब कुछ करके भी अगर वो नहीं होता है जैसा आपने सोचा, तो देन फिर देन यू से ये इस लेग में है एंड देन यू आर हैप्पी विद अल्लाह ताला. ऑब्वियसली अल्लाह ताला आपके लिए बुरा थोड़ी चाहिए और उसका आंसर आपको बहुत अरसे बाद मिलता है.